वीर जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिहड़ी अज वीडियो बनाउन जा रहे वीर जी ये बनाउन जा रहे मैं एनीमल नूं आपां ड्राई किवें करना है, एनीमल को ड्राई कैसे करना है और एनीमल की ड्राई के बाद 2 महीने कैसे देखभाल करते हैं हम, इसके बारे में जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना बताने जा रहा हूँ। एक तो जब एनिमल को हमको पता है गब्बन है एनिमल, अब उसका दूध ले रहे हैं, अब उस वो 30 किलो दूध दे रहा है स्टार्टिंग में। जब उसका 3 महीने रह जाएंगे सूने के, उसको दूध अगर 20 लीटर चल रहा है अपना, तो थोड़ा थोड़ा उसका फीड कम करते जाओ। फिर 60 दिन पहले उसका दूध कम हो जाएगा, उस हिसाब से हम उसको जल्दी ड्राई कर सकते हैं। अगर 7 महीने रह जाए सूने के, 2 महीने 60 दिन रह जाएँ और उधर से दूध 20 लीटर दे रहा हो, तो उसको ड्राई करने में फिर अपने 15 दिन लग जाएंगे। फिर उसको ड्राई पीरियड हम 45 दिन का ही दे पाएंगे। इसलिए ज़्यादा 2.5 महीने पहले उसको ड्राई करना शुरू कर दो। अगर उसको हम ड्राई 2.5 महीने पहले ड्राई करते हैं, उसको एक तो फीड कम कर दो बिल्कुल, थोड़ा तूड़ी बढ़ा दो उसको, और उसको एक टाइम चॉई करो, एक टाइम छोड़ दो, फिर 2 दिन के बाद चॉई करो, फिर छोड़ दो। ऐसे 1-2 दिन करने से वो दूध सूख जाएगा, उसके बाद वो प्रॉपर ड्राई हो जाएगा। एक मार्केट में ट्यूब आती है सिप्राविन ट्यूब MSD कंपनी की, वो भी हम 2.5 महीने पहले एनिमल के थनों में भर सकते हैं उसको। अगर उसको हम चढ़ा देते हैं थनों में, तो भी एनिमल के थन नहीं ख़राब होते, सूने तक 60 दिन वो काम करती है, एनिमल ठीक रहता है उससे। मेरे एक गाय थी, वो 15 लीटर पे मैंने ड्राई की थी, उसके मैंने ट्यूब चढ़ा दी थी, 15 लीटर दूध भी मैंने बंद कर दिया था उसको, वो सूने तक बिल्कुल ठीक रही मेरे पास। उसके बाद जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं, उसको फिर प्रॉपर ड्राई फीड शुरू करनी है। हम जो फीड यूज़ करते हैं, हम करते हैं कारगिल की फीड यूज़, जो हम कारगिल की फीड यूज़ करते हैं वो ड्राई फीड एक महीना 35 दिन 40 दिन ड्राई फीड डालते हैं उनकी, उसके बाद ट्रांजेक्शन आती है उनकी। ट्रांजेक्शन मैं डेली में 2 किलो सुबह 2 शाम को, 4 किलो डेली फीड ट्रांजेक्शन देता हूँ उसको। एक महीना जब रह जाता है गाय का सूने का ड्राई फीड, आप उसको बॉडी वेट के हिसाब से 2 किलो ड्राई फीड डेली दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। अगर आपको एनिमल कमज़ोर लगता है तो 3 किलो आप ड्राई फीड दे सकते हैं उसको, उस हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको मिनरल मिक्सचर रेगुलर डालते रहें और ये प्रॉपर फीडिंग करते रहो उनकी। अब आता है टाइम जब उसका हमको पता लग जाता है अभी इसके 5-7 दिन रह गए सूने के, उसको कोशिश करो अगर आपके थोड़ी सी जगह, जैसे मेरा ये ब्लॉक है, ये मेरा सूने के लिए अलग बनाया हुआ है, ये एनिमल ड्राई एनिमल है, फिर भी एक थोड़ी मेरे फार्म पे कमी है, एक वहाँ पे ना एक ऐसे दीवार निकाल के उसको शेड ऊपर डाल के एक अलग कमरा बनाना है मैंने, वो जो एनिमल सूने वाले हैं उनके लिए बनाऊंगा अलग कमरा। अगर अलग कमरा बना हो उसमें ले जाओ आप एनिमल सूने वाले, वो 5-7 दिन उधर रखो। एनिमल का अपनों पतला, एक तो थनों में दूध आ जाएगा उसके 2-3 दिन पहले दूध, कभी कोई एनिमल में दूध का प्रेशर ही इतना बन जाता है कि एनिमल दूध कराने भी लग जाता है। एक तो दूध का प्रेशर एनिमल एक ढीला पड़ जाता है, उसकी छू पीछे से ढीली पड़ जाती है, फिर हमको पता लग जाता है ये सूने का टाइम आ गया एनिमल का। तब वो जिस दिन एनिमल ने सूना होता है उस दिन 2 घंटे एनिमल पूरा अपना टाइम लेता है सूने का। अगर उसके आपको लग रहा है उसकी टमंडी आ गई, वो टमंडी बोलते हैं वाइट वाली, वो आ गई तो आपको लग रहा है अभी वो सूएगा, उसको खींचना नहीं, उसके बाद भी 1 घंटा ले जाते हैं कभी एनिमल। अगर वो उसके बाद ज़्यादा टाइम ले लाओ फिर डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर से सुलवाओ, नहीं तो 1-2 घंटा तो लेगा ही लेगा, 1-2 घंटे में बच्चा दे देगा वो। उसके बाद उसको देखना जब बच्चा करा देगा, उसके बाद उसको गाय के आगे करो और उसको गाय खुद ही उसको अपना चाट के उसको साफ़ कर देगी, उसको हमको कपड़े से सुखाने की ज़रूरत नहीं, गाय उसको सूखा कर देगी खुद, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाय की बॉडी उसको जब खड़ा हो जाएगा उसको बॉडी पिलाओ, जितनी जल्दी हम उसको बॉडी पिला सकते हो उतनी जल्दी, वो बहुत ज़रूरी है, उसमें विटामिन मिनरल की ज़्यादा होते हैं बॉडी में, इसलिए वो बछड़े के लिए या बछड़ी के लिए या कट्टा या कटड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूरी है उनके लिए, ये बहुत ज़रूरी है उसको पिलाना। जब सूने के वक्त अगर हम सू रहा है एनिमल, वो हमको लग रहा है वो ठीक नहीं है वो, उसको ऐसे करो पीछे वाली टांगों से पकड़ के ऊपर उठाओ, अगर पीछे वाली टांगों उसका सिर नीचे कर दो, अगर उसके मुंह में वो टमांडी का पानी वगैरह चला जाता है, जो भी चला जाता है वो बाहर निकल जाएगा, एनिमल होश में आ जाएगा। हम कटड़ी पिछड़ी अगर सूने के वक्त आपको लगता है होश में नहीं है, तो उसके पिछली टांगों से फड़ के उठा दो,
अगर फिर भी होश में ना आए उसकी छाती को दबाओ, अच्छी तरह दबाओ और छाती को, फिर एनिमल आंखें खोलेगा, होश में आ जाएगा, फिर उसके मुंह जब ऊपर करोगे ना टांगे, उसके मुंह से पानी खुद ब खुद निकल जाएगा। एक जो उसका नाड़ुआ होता है, कई एनिमल तो अपने आप टूट जाता है, अगर ना एनिमल का नाड़ुआ टूटे तो उसको 3-4 इंच छोड़ के उसको काट दो और उसके ऊपर धागा बांध दो, उसका ब्लड रुक जाएगा और उसको 1-2 दिन बीटाडीन लगा दो, वो ठीक हो जाएगा, उसकी कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बछड़े को या बछड़ी को या कट्टा कटड़ी को दूध अच्छी तरह बौला पिलाओ और देखभाल करो। भैंस में तो अगर बाई चांस कोई कट्टी या कट्टी या कट्टा कोई मर जाए तो एनिमल दूध नहीं देती भैंस, इतना ज़्यादा वो करती है, इसलिए उसकी ज़्यादा देखभाल करो। लभी कट्टा या कट्टी को हमको ज़्यादा ज़रूरत है। गायों में हम 5-7 दिन के बाद उसको अलग कर सकते हैं, उसको अलग से हम कोशिश करो उसको पिलाने की। एक बाल्टी आती है जो मैं पहले भी फीड, उसके आगे निप्पल लगा होता है, वो निप्पल जैसे थान होता है ऐसे ही होता है, वो निप्पल से दूध पिलाओगे तो उसको अच्छा रहता है, उसको ऐसे लगता है भैया मैं गाय का दूध ले रहा हूँ, डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो उससे दूध पिलाना चाहिए। निप्पल लगाया हुआ दूध, तसले से दूध देने से निप्पल वाली बाल्टी से दूध पिलाओ उसको, उससे ज़्यादा ग्रोथ करता है बछड़ा या बछी जो भी होता है। जे होती है सूने के टाइम ध्यान रखना, फिर देखना है गाय को लभी उसी वक्त, एक तो कब्ज नहीं होना चाहिए उसको, ऐसे हरा चारा दो ज़्यादा, जो एनिमल अपना 1-2 दिन सूने में रह जाए या सू जाए उसके बाद उसको एक तो हरा चारा थोड़ा ज़्यादा दो, हरे चारे की मात्रा हम ज़्यादा देंगे तो एनिमल को कब्जी नहीं होगी, ज़्यादा जोर ना लगाए गोबर करने के वक्त, वो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और उसको जब एनिमल बच्चा करा देगा उसके बाद उसको पानी प्रॉपरली दो, पानी उसको थोड़ा सा, अगर सर्दी है तो थोड़ा सा गर्म कर लो पानी, कोसा पानी दो उसको, क्यों उसके पेट में से पानी बहुत निकल आता है, पेट खाली हो जाए जितना पानी जल्दी पिएगा और जितना जल्दी हरा चारा खाएगा उतनी जल्दी वो जेर कराएगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। जेर और जेर कराने वाले मार्केट में कोई टॉनिक भी मिल जाते हैं जो बोलते हैं जेर कराते हैं, वो एक तरह के काढ़े ही होते हैं, वो जैसे जूट्रोटोन हो गया, कई आते हैं मार्केट में अलग अलग कंपनियों के आते हैं, वो उसको 200-200 ग्राम करके डेली पिलाते रहो, उसके बच्चे दानी अच्छी तरह सफाई हो जाती है। और उसका कड़ चलता है एनिमल का, जिसको हम ब्लड निकलता है एनिमल का, वो 7-10 दिन के भीतर वो ब्लड निकलेगा एनिमल का, उसकी अच्छी तरह सफाई होनी। अगर आपको लग रहा है जो ब्लड निकलता है उसमें स्मेल आ रही है तो आप सोच सकते हैं लेकिन हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो, तो बाद में डॉक्टर से उसमें दवाई दो भी भरवा सकते हो आप। अगर वो आपकी स्मेल नहीं आती, वो ब्लड आ रहा है, वो अच्छी बात है, उसकी सफाई हो जाती है। कई एनिमल उसका ब्लड 15 दिन तक ले जाते हैं, 15 दिन भी ब्लड गिरता है, अगर उससे ज़्यादा जाए तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए लेकिन इतना ज़्यादा ब्लड गिरा रहा है, 15 दिन तक ब्लड देता है तो कोई बात नहीं है, उसकी बच्चेदानी अच्छी तरह सफाई हो जाती है। 7 दिन से लेकर आमतौर पे 10 दिन तक होता है, नहीं 7-15 दिन तक होता है ब्लड का पीरियड, वो अगर वो कराता है तो उसकी बच्चेदानी, उसके बाद जो पहली हीट आती है उसकी, अगर वो 1 महीने के बाद उसके बाद हीट में आता है तो उसकी AI करा दो, अगर वो हीट में आ जाए 20 दिन के बाद उसकी AI नहीं करानी, उसकी AI छोड़ दो, अगर वो अगले 20 दिन के बाद आएगा उसकी AI करवाओ, वो पहली हीट पे गब्बर रह जाएगा। एक फीड का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए सोने के वक्त, पानी वगैरह अलग होना चाहिए एनिमल को, बस दूसरे एनिमल को ये ध्यान रखना चाहिए कोई उसके टक्कर वगैरह ना मारे, कोई उसको ग्रा ना दे, और नीचे सफाई होनी चाहिए, कोई रूढ़ी वगैरह नीचे कोई बट्टे वगैरह नहीं होने चाहिए, नीचे रेता होना चाहिए अच्छी तरह, या पराली डाल दो सूने वाले एनिमल के लिए। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए हमको सूने वाले एनिमल के लिए। बारह और तो बस इतने ही हैं, अगर अच्छा सीमल लगाएंगे भैया, बार बार मैं कहता हूँ अच्छी ब्रीड तैयार होगी, बच्चा तो लेना है, बच्चा तो हम बुल से भी करवा लेंगे, चाहे जो है सीमन आता है सस्ते वाला, जो हमको पता है इसका रिकॉर्ड काम है, वो उससे भी गबन हो जाएगा, पर उससे लिए अगर आपने एक बार सीमन के लिए अच्छे पैसे लगा दिए तो आपके पास ब्रीड अच्छी तैयार होने लग जाएगी। इसके लिए आपको एनिमल के सीमन हमेशा अच्छा लगाना है, अगर आपके पास कम दूध वाली भी है तो भी उसके अच्छा सीमन लगाओ, कोई उसकी बछड़ी वगैरह तो अच्छी आएगी ना। ये गाय है मेरी, ये ड्राई पीरियड पे है अभी, अभी इसके 10 दिन रह गए, ये देख लो अच्छी तरह इसने लेबे में दूध डालना शुरू कर दिया, ये इस गाय ने अभी, इसकी शू ढीली नहीं हुई, ये ढीली हो जाएगी, ये ढीली हो रहा पूरा तोड़ देगा, ये होते हैं यहाँ से मांस ढीला हो जाता है एनिमल का और फिर हमको पता लग जाता है सोने के लिए रेडी है एनिमल। ये सारी बैठी हैं, ये गाय ड्राई की हुई है मेरी, बस एक ये है मेरे पास एक अलग कमरा नहीं ले भी, हम गायों को अलग रख के
वो कोशिश है मेरी इस बार बना दूंगा और उसको अलग रख के अलग उसकी 5-7 रोज अलग करके उसकी अलग देखभाल करूंगा। उस हिसाब से यहाँ पे खुली है तो इसके डर रहता है एक दूसरे को टक्कर ना मारे। कभी हम कहते हैं ना मेरी 10 दिन पहले यार टाइम पड़ा था इसका, कभी एनिमल उसको टक्कर लगा देता है, उसके बाद 10 दिन पहले भी कई बार हो जाता है एनिमल का बच्चा करने का चांस बन जाता है। 10 दिन पहले सू भी पड़ी एनिमल, उसका डर नहीं होता हमको, बच्चा सही सलामत होता। पर फिर भी जो टाइम पे आना उसके जेर वगैरह की प्रॉब्लम कोई नहीं आती। ये भी सब ड्राई एनिमल हैं, ये बैठे हुए हैं, ये सब ड्राई एनिमल हैं, अच्छे दूध वाले हैं। ये देखो ड्राई एनिमल, इसका अभी थोड़ा टाइम पड़ा है, इसके भी दूध आ गया, इसका भी एक 30-40 दिन रहे हैं। ये 40 लीटर वाली गायें हैं मेरी, बहुत अच्छी गायें हैं ये। इसके सीमन लगा है 40-120 का, डेनमार्क का लगा हुआ है भैया, बहुत अच्छी हैं ये। ये भी है, ये फर्स्ट लग, ये सूने वाली अभी ड्राई की है ये मैंने, ये दोनों ये फर्स्ट लैक्टेशन है। इसके 2 महीने पड़े हैं अभी, इसको अभी इधर ले गए हैं। इसके सिंग रह गए थे मेरे से निकालने भूल गया था मैं, अब देखेंगे इसका इलाज करेंगे थोड़ा। एक जैसे ये मेरी फर्स्ट लैक्टेशन की पहले अभी बछड़ी है, ये पहली बार सूना है इन्होंने, इनको हाइफर ड्राई का वो आती है, एक हाइफर ड्राई बछड़ियों की ड्राई। पहले तो इसको आपने, अगर आपके पास गबन बछड़ी है उसको जब उसके 2 महीने रह जाएं तभी उसको ड्राई पीरियड ड्राई फीड शुरू करना। उससे पहले आप उसको कफ ग्रोर जो बछड़ी वाली आती है 1.5 किलो रोज की दे दो, इतने ही अच्छा होता है। उसके बाद आप जब ऐसे गबन रह जाएंगी, जब इसको पता है आपने ड्राई करना है 2 महीने रह गए इसके, तब इसको हाइफर ड्राई आती है फीड करके वो शुरू कर दो। कोई भी फीड डाल सकते हो, आपकी अपनी बना सकते हो, पर मैं अपने फार्म पे जो ड्राई पी होती है वो तो कारगिल आशीष की भी यूज़ कर लेता हूँ, कारगिल और एक यूज़ करता हूँ मैं इनकी ट्रांजेक्शन जो 25 दिन रह जाते हैं सूने के, 2 फीड ये यूज़ करता हूँ। और जो मिल्किंग वाली फीड है वो मैं अपनी खुद का फार्मूला डॉक्टर से लेके वो बनवा के लेके आता हूँ। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। और पानी इनके लिए, जैसे ये पानी रखा हुआ है ये साफ़ है भैया पूरा, डेली मैं इसको सफाई करवाता हूँ। ये नीवा होता है अभी कहीं गोबर ना कर दे कोई, डेली इसका दोबारा दोबारा पानी भरता हूँ इसके लिए। 24 घंटे जो सूने वाली गाय हैं उसके पास आपको पानी वगैरह अवेलेबल होना चाहिए जब उसका दिल करे पी ले, क्यों गाय ने पानी ज़्यादा नहीं पीती, जब सूने वाली गाय थोड़ा पानी पिएगी बार बार पिएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक सूने के बाद पानी ज़रूर पिलाना और उसको हरा चारा वगैरह वो उसको उसी वक्त खिला दो, उस हिसाब से वो जल्दी जेर वगैरह जितनी सफाई और जितनी जल्दी हम उसकी जेर वगैरह गिर जाएगी अच्छी होती। कभी जेर को ऐसे हो, एक काम मैं भूल गया था, जेर को डॉक्टर अगर जेर 10-12 घंटे नहीं पड़ती डॉक्टर को दिखा के, उसमें आप फ्यूरेक्स वगैरह की गोली आती है, एक वीरवैक की भी आती है वो दिला दो। अगर जेर खुद में डलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं उसको खींच के नहीं निकालना, हम अंदर हाथ डाल के उसको निकाल, प्रॉपर डॉक्टर है जिसको गायनी के बारे में पूरी नॉलेज है वो डॉक्टर अंदर हाथ डाल के निकाल सकता है, वो भी ऐसे नहीं खींचेगा लभी उसको उखाड़ उखाड़ के खींचेगा, वो भी सोचेगा लभी जितनी खुद पे खुद हाथ से आती है उतनी निकल जाए, बाकी उसमें 2-3 दिन दवाई दराओ वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी जेर। कभी मेरे फार्म पे ऐसा भी हुआ है लभी 2-3 दिन बाद भी जेर सारी गिरी है एनिमल की, जेर की ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आप जेर को जब गिर जाएगी उस जगह की सफाई करो, जेर को कहीं खड्डा खोदो और उसमें दबा दो, नहीं कुत्ते वगैरह ले जाते हैं, कोई अगर एनिमल को बीमारी हो जेर से आगे बीमारी लग जाती है वो, इसलिए जेर को अच्छी तरह दबा दो कहीं पे, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बात मैं भूल गया हूँ तो अगली वीडियो में मैं आपको जिस उसके डिटेल वगैरह सारा बता दूंगा, मेरे को कमेंट करके बता देना। अब भैया मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। सारे भाई बहन मेरे, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर कोई बात मेरे से रह जाती है मेरे को बेझिझकोगे आप कमेंट करके बता दिया करो, वो अगली वीडियो में उस चीज़ का सुधार भी कर लूँगा और देख भी लूँगा। अब मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।